6 जनवरी को शिक्षा विभाग द्वारा जारी राजपत्र संशोधन आदेश का विरोध शुरू हो गया है। मंगलवार को प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले स्कूल संचालकों ने आदेश पर आपत्ति दर्ज कराई है। एसोसिएशन ने बताया कि उक्त आदेश को निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देने के बजाय शिक्षा के व्यवसायीकरण का निर्णय बताया है। उन्होंने कहा कि आदेश में स्कूलों पर कई तरह के शुल्क लागू कर दिए हैं जो शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देंगे। राजपत्र में सुरक्षा निधि मान्यता अधिनियम में कई तरह के शुल्क निर्धारित किए गए हैं। शासन के इन मनमाने निर्णयों से स्कूल संचालक आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान हैं। स्कूल संचालकों ने नए बिंदुओं को समाप्त करने की मांग की है। आगामी 10 दिन में ऐसा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो मान्यता के नए नियम लगाए हैं उनके विरोध में पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर महोदय के नाम मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है। और आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में खरगोन जिले में हमारे खरगोन जिले के स्कूल संचालकों के साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। इस ज्ञापन में निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो भारत सरकार ने निर्धारित किया है उसमें अमेंडमेंट करते हुए परिवर्तन करते हुए सरकार ने नया गजट राजपत्र जारी किया है और उसमें प्राइवेट स्कूलों पर आर्थिक बोझ लाद दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलें खास करके उनको तो इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मान्यता के लिए 8वीं तक की मान्यता के लिए 40,000 की FD और 4,000 रुपये प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है। अगर कोई विद्यालय 5 वर्ष के लिए मान्यता लेता है तो उसको 20,000 रुपये तो नवीनीकरण शुल्क देना होगा और साथ ही साथ 40,000 रुपये की FD करना होगी। ये 60,000 रुपये की राशि जो है वो हमें जमा करनी होगी। साथ ही साथ इस पर जो ब्याज मिलता है वो भी सरकार ने उसके लिए मापदंड बना दिए कि इसको हम हमारे किन खर्चों में या किन मदों में इसका व्यय करेंगे। तो इस प्रकार से आज तमाम इन बातों का विरोध करने के लिए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यहाँ पर खड़ा हुआ है और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय की भर्त्सना करता है और हम साथ ही साथ सरकार से मांग करते हैं कि हमारी मांगों पर ध्यान दिया जाए और ये जो नए राजपत्र में आपने संशोधन किए हैं इन्हें वापस लिया जाए। क्या नाम है? डॉक्टर लवेश राठौर, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।